टप्पू सेठ जी मैं निकल गया हूँ। ओके गुड, बस हम लोग भी सोसाइटी जा रहे हैं सखाराम को लाने के लिए। आप और बाबरी दीदी जल्दी से सोसाइटी के पास पहुँच जाइए। ठीक है टप्पू सेठ जी। हे भगवान, टप्पू सेठ जी के साथ कोई गड़बड़ ना हो प्लीज, वरना सेठ जी मुझे बहुत डांटेंगे और भेड़े भाई तो मेरा क्या करेंगे पता नहीं। भगवान आज की रात बहुत भारी है। वैसे भगवान आज की रात रोमांटिक भी बहुत है, बावरी जी को देखते ही सारा टेंशन छू हो जाता है। बागेश्वर जी मैं आ गई। ये क्या बावरी जी अब साइकिल पे क्यों आए, ऑटो रिक्शा में आ जाते। वो क्या है ना बागेश्वर जी, हम दोनों मेरे स्कूटर पर तो बहुत घूमे हैं लेकिन साइकिल पर घूमने का चांस ही नहीं मिला, तो मैंने सोचा आज चांस मिला है कि उन्हें चांस पर डांस कर लिया जाए। अरे लेकिन बावरी जी साइकिल पे पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लग जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है बागेश्वर जी, इस बहाने हम लोग ज्यादा टाइम साथ बिता सकते हैं। बराबर है बावरी जी, लेकिन मुझे कल सुबह दुकान भी जाना है। बागेश्वर जी वो मैं कुछ नहीं जानती, आपको मेरे साथ साइकिल पर आना ही पड़ेगा। बागेश्वर जी प्लीज चलिए ना, प्लीज प्लीज। आप इतने प्यार से पूछेंगी तो मैं मना कैसे कर सकूंगा। So sweet. चलिए आइए जल्दी से बैठ जाइए। चलिए चलिए बावरी बैठ गए। चांदी की साइकिल सोने की सीट, आओ चले डार्लिंग चले डबल सीट। बावरी जी रुकिए, कुत्ते को मेरा गाना पसंद नहीं आया। कोई बात नहीं बागेश्वर जी, मुझे पसंद आया, गाइए ना। नहीं नहीं लेकिन वो काटेगा तो मुझे ही ना, उससे अच्छा मैं चुपचाप पीछे बैठा हूँ, आप साइकिल चलाइए। बागेश्वर जी हाँ, ये चांदनी रात, ये सुनसान सड़क, ये लहराती हुई हवा और इस सफर में हम सफर का साथ, मेरा तो दिल कर रहा है मैं बस साइकिल चलाती रहूं चलाती रहूं चलाती रहूं। बावरी जी चलाते चलाते कहीं गोकुलधाम सोसाइटी से आगे मत निकल जाना। नहीं नहीं बागेश्वर जी ऐसा नहीं होगा। एक मिनट बावरी जी, एक मिनट, एक मिनट। क्या हुआ बागेश्वर जी? मैं क्या कहता हूँ बावरी जी, अब मैं साइकिल चलाऊं? क्यों बागेश्वर जी, मैं साइकिल चला रही हूँ तो आपको मजा नहीं आ रहा है? नहीं नहीं मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन क्या है टप्पू सेठ जी हमारा इंतजार कर रहे होंगे और टाइम पे भी पहुँचना है ना, इसलिए प्लीज। ठीक है थैंक यू, आइए। थैंक गॉड अब्दुल भाई की दुकान बंद है यार। वो सोसाइटी में कोई जग ना रहा हूँ। सबके घर की लाइट्स ऑफ है, लगता है सब सो गए। यस, और अभी मैदान भी साफ है। चलो 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 चलो, चलो। पोपट अंकल बालकनी में ना आ जाए यार। फ्रेंड्स अब जरा भी आवाज मत करना, अगर कोई उठ गया और गलती से भी बाहर आ गया ना तो हम पकड़े जाएंगे। तू चाबी दे। अंकल, आई एम सो सॉरी, लेकिन हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। टप्पू तू क्या सोच रहा है? तीन है यार। हाँ ये ले। ये तो मेरे सखाराम की आवाज है, ये अपने आप चालू कैसे हो गया? क्या किया तूने? यार मैंने नहीं किया यार, छींकने किया यार, मैंने छींक का ही तो गलती से बटन दब गया। अरे वो सब छोड़,
पहले इसे बंद करो वरना भेड़िया अंकल जग जाएंगे। अरे बंद कर पोली, बंद कर उसे। पर कैसे बंद करूं, मुझे नहीं आता यार। अरे चाबी घुमाना, शायद बंद हो जाएगा। अरे ये अपने आप बंद भी हो गया, क्या चाल रहे का है? आहो हाँ, किससे बातें कर रहे हैं आप? अरे माधवी, अपना सखाराम अपने आप चालू हो गया और अपने आप बंद भी हो गया। कौन? सखाराम। ओ, वो सो गया होगा, आप भी सो जाइए अभी। अरे नहीं माधवी, सुनो ना, एक्चुअली ऐसा हुआ है। जो अपन हुआ था कमाल है, सखाराम अपने आप चालू हो गया और अपने आप बंद भी हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है, देखना पड़ेगा। सखाराम तो सच में सो रहा है, लेकिन आवाज तो मेरे सखाराम की ही थी। और बिना चालू किए सखाराम आवाज करेगा नहीं, तो सखाराम को स्टार्ट किसने किया था? कंपाउंड में भी कोई नहीं है। ये मोबाइल की आवाज किसकी थी? ये रिंटू तो टप्पू की है। टप्पू, टप्पू कमाल है। आप बोलिए भागा अंकल। टप्पू सेठ जी, मैंने तो सिर्फ आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि मैं और बावरी जी गोकुल धाम के नाके पे आ गए हैं। अच्छा ठीक है, आप दोनों वहीं इंतजार कीजिए, हम लोग थोड़ी देर में सखाराम को लेकर आ रहे हैं। मैं और बावरी जी आए हैं आपकी मदद करने के लिए। नहीं 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 नहीं, नहीं आप वहीं रुकिए, हम लोग आ रहे हैं। और हाँ, अभी फोन मत करना, ओके? ओवर एंड आउट। कह रहे हैं अभी आ रहे हैं। सखाराम के स्टार्ट होने की आवाज आ रही है, मोबाइल की रिंगटोन सुनाई दे रही है, काय भूत अटकी है। डर क्या रहे हैं, मैं ही हूँ। भले माधवी, ऐसे पीछे से चुपके से आके हाथ रखोगी तो इंसान डरेगा नहीं क्या? सॉरी। क्या हुआ? आपको क्या हुआ? कुछ नहीं। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ वो मैं देखने आया था कि सखाराम सही सलामत है कि नहीं। तो क्या देखा आपने? नहीं, वो अच्छे से सो रहा है। अरे वाह, तो अभी आप भी अच्छे से सोएंगे ना? हाँ। लेकिन समझ में नहीं आया माधवी के सखाराम के शुरू में की आवाज कैसे आई। खर्राटे ले रहा होगा, थक जाता है ना बेचारा। टाइम क्या है, क्या बोल रही हो तुम माधवी? ओ तो और क्या बोलूं मैं, आधी रात अपने बीवी के साथ सखाराम के स्टार्ट होने जैसी रोमांटिक बातें आप कर रहे हो, तो आप क्या चाहते हैं मैं क्या बोलूं? माधवी, मैंने सिर्फ सखाराम के शुरू होने की आवाज नहीं सुनी थी, और एक आवाज सुनी थी। किसकी? टप्पू के मोबाइल की रिंगटोन की आवाज। कल्याण, अहो आपने मुझे बताया ना कि टप्पू गोगी गोली वो नाइट टूर्नामेंट में गए हैं, 2-3 बजे के बाद आएंगे, तो अभी उसके मोबाइल की रिंगटोन आपको कैसे सुनाई देगी यहाँ पे? तो फिर आवाज आई कैसे? आपके कान बज रहे हैं। चला तो झोप आला। आप कमरे में सोना चाहते हैं या आज यही बालकनी में? फ्रेंड्स, बाल बाल बच गए यार। चलो चलो, नहीं नहीं जा नहीं सकते, पीड़ित अंकल वापस आ गए तो। अरे पीड़ित अंकल वापस नहीं आएंगे, माधवी आंटी आने नहीं देगी उन्हें। लेकिन फ्रेंड्स, अब कोई भी गड़बड़ मत करना, ओके? चलो 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 चलो। आगे आगे
हेलो टप्पू सेठ जी, हेलो कैसे हो? कैसे हो? इसलिए आराम से पकड़ के रखना है जरा। हाँ हाँ चलिए चलिए बावरी दीदी, हमें फटाफट स्कूटर सीखना है, आप सिखा दीजिए ना। ठीक है। नहीं 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 फ्रेंड्स, यहाँ किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं क्या कहता हूँ कि हम सोसाइटी से थोड़ा दूर जाके स्कूटर चलाना सीखते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, बराबर है टप्पू सेठ जी। बावरी जी आप साइकिल लेके आइए, मैं ये स्कूटर ले लेता हूँ। आप बताइए कहाँ सीखना है। हाँ हाँ चलिए चलिए। बस 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 हम यही स्कूटर चलाना सीखेंगे। यहाँ पे हाँ यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है ना टप्पू सेठ जी? नहीं 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 कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो स्कूटर सीखने का श्री गणेश करें। ओके लाओ टप्पू स्कूटर की चाबी दो। एक मिनट बावरी जी, आप रहने दीजिए, स्कूटर मैं सिखाऊंगा। क्यों बागेश्वर जी? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि स्कूटर सिखाते वक्त कोई भी गड़बड़ हुई तो सेठ जी या भीड़े भाई आपको डांटे। अगर ऐसी बात है बागेश्वर जी तो मैं भी नहीं चाहती कि कोई आपको डांटे, और वैसे भी स्कूटर सिखाने का प्रॉमिस तो मैंने किया है ना। आपकी बात बराबर है बावरी जी, लेकिन 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 कुछ नहीं बागेश्वर जी, स्कूटर तो मैं ही सिखाऊंगी। नहीं बावरी जी, स्कूटर मैं सिखाऊंगा। नहीं बागेश्वर जी, स्कूटर मैं सिखाऊंगी। मैं ये बंद करो, नहीं तो इनका मैं सिखाऊंगा के चक्कर में हम ही नहीं सीख पाएंगे। मैं बग अंकल, बावरी दीदी आप दोनों शांत हो जाइए, मेरे पास एक आइडिया है। बाग अंकल आप मुझे और गोली को सिखाइए, और बावरी दीदी आप गोगी को सिखाइए। ठीक है ठीक है टप्पू सेठ जी, लाइए स्कूटर की चाबी दीजिए। ये लीजिए, शुरू करते हैं। बाग अंकल एक मिनट, गोली गोगी। क्या हुआ टप्पू सेठ जी? नहीं नहीं बाग अंकल आप डरिए मत, हम आपकी टांग नहीं खींच रहे, हम आपके पैर छू रहे हैं। लेकिन क्यों? बागा सर आप हमें स्कूटर सिखाने वाले हैं तो आप हमारे गुरु हुए ना। हाँ और बावरी दीदी हमारी गुरु माँ। और टप्पू के दादाजी कहते हैं कि कोई भी नया काम सीखने से पहले अपने गुरु के पैर छूने चाहिए। बराबर है टप्पू सेठ जी, लेकिन बागा सर इस वक्त मैं आपका स्टूडेंट हूँ, जब मुझे टप्पू सेठ जी नहीं टप्पू कहकर बुलाइए। नहीं नहीं टप्पू सेठ जी ये मुझसे नहीं होगा। ठीक है तो मैं पापा से कह दूंगा कि आप और बावरी दीदी हमें चोरी छुपे स्कूटर चलाना सिखा रहे हैं। ये तो चीटिंग है। बागा अंकल आप टीचिंग कीजिए, हम चीटिंग करते हैं। अरे बस बस टप्पू सेठ जी गोली, आप लोग तो हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। चलिए बागा अंकल अब क्लास शुरू कीजिए। एक मिनट, ट्रेनिंग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि अनजाने में ही सही लेकिन आपका तीर एकदम सही निशाने पे लगा है। मतलब? मतलब ये टप्पू सेठ जी कि मजबूरी में ही सही लेकिन आप स्कूटर सीखने के लिए सखाराम को लेके आए, ये बहुत अच्छा किया। क्योंकि क्या है सखाराम साइडकार वाला स्कूटर है, इस वजह से सखाराम के तीन पहिए हैं, तो आपको बैलेंसिंग करने में बहुत आसानी होगी, और इसी वजह से आप लोग स्कूटर जल्दी सीख जाओगे। तो ट्रेनिंग स्टार्ट करें। मिनट बावरी जी, ट्रेनिंग शुरू करने से पहले प्रार्थना। हे सेठ जी, हे भिड़े भाई, मैं आपसे छुप के टप्पू सेना को स्कूटर मजबूरी में सिखा रहा हूँ, प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। तो अब हम ट्रेनिंग शुरू करते हैं। ट्रेनिंग शुरू करने से पहले मैं स्कूटर के बारे में आप तीनों को बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। इसे कहते हैं स्कूटर, इसे कहते हैं चाबी। इस चाबी को स्कूटर में ऐसे डाली और फिर उसे ऐसे घुमाना। बागा सर ये सब हमें आता है, आप सीधा नेक्स्ट चैप्टर पे आइए ना प्लीज। गोली नेक्स्ट चैप्टर आपको बावरी जी टीचर पढ़ाएंगे। बावरी जी टीचर ओवर टू यू। ध्यान से देखना और सुनना है। नेक्स्ट चैप्टर है स्कूटर स्टार्ट करने के दो तरीके, इसे कहते हैं ब्रेक और इसे कहते हैं एक्सेलरेटर और इसे कहते हैं सेल्फ स्टार्ट बटन। पहला तरीका सेल्फ स्टार्ट, ऐसे ब्रेक दबाते हैं और ऐसे ब्रेक को बिना छोड़े हुए ऐसे सेल्फ स्टार्ट बटन दबाते हैं, लो हो गया स्कूटर स्टार्ट। अब इसे बंद कर दीजिए। दूसरा तरीका है
किक स्टार्ट। अगर सेल्फ स्टार्ट बटन से स्कूटर स्टार्ट ना हो तो हम पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं किक स्टार्ट टेक्नोलॉजी। आइए मैं दिखाता हूँ। आइए आइए तपसेना। देखिए इसे कहते हैं किक और उसे ऐसे मारते हैं और फिर एक बार स्कूटर स्टार्ट हो जाए फिर धीरे धीरे एक्सीलरेटर देके आप स्कूटर चला सकते हैं। बागा सर धीरे धीरे क्यों, सीधा फुल स्पीड में क्यों नहीं? बोगी अगर सीढ़ियां चढ़ते वक्त तुम पहली सीढ़ी से सीधी दसवें सीढ़ी पे जंप मारोगे तो क्या होगा? गिर जाऊंगा। ठीक वैसे ही अगर तुम फुल एक्सीलरेटर दोगे तो हो सकता है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, तुम गिर जाओ। अरे बागा सर हमें थियोरेटिकली नहीं प्रैक्टिकली स्कूटर सीखना है। हाँ हाँ वो भी सिखाएंगे वो भी सिखाएंगे। उससे पहले एक जरूरी बात। अच्छा हेलमेट देखा बावरी जी टीचर कितनी पर्टिकुलर है। लीजिए पहले हेलमेट पहन लीजिए। कैसा लग रहा हूँ? मस्त। बैठिए बैठिए। ऑल द बेस्ट सबू। ऑल द बेस्ट सबू। ऑल द बेस्ट सबू। आराम से एकदम। आराम से जाने दीजिए। टपू सेठ जी मेरी बावरी जी के साथ शादी होनी बाकी है, थोड़ा आराम से। के साथ आज की स्कूटर ट्रेनिंग यहाँ संपन्न हुई। अरे वाह तुम लोग तो बड़े स्मार्ट हो, तुम लोग 3 दिन नहीं 2 दिन में स्कूटर सीख जाओगे। थैंक यू। हम लोगों को तो बड़ा मजा आया तुम लोगों को स्कूटर सिखाकर। तुम लोगों को कैसा लगा स्कूटर सीखकर? अरे बावरी दीदी मुझे तो बहुत ही मजा आया। और हमें भी बहुत मजा आया। तो अब चले टपू सेठ जी, वो क्या है कल सुबह मुझे दुकान भी जाना है। बावरी जी आप एक काम कीजिए, आप टप्पू सेठ जी और गोली को स्कूटर पे लेके जाइए और गोगी तुम मेरे साथ साइकिल पे चलो। आइए संभाल के जाना है। Congratulations and celebrations, भाई बहुत बहुत बधाई। टप्पू गोली और गोगी के स्कूटर चलाना सीखने का मिशन प्रारंभ हो चुका है। न केवल प्रारंभ हुआ, एक दिन बड़ी सफलता के साथ बीत भी चुका। कहा जाता है अगर आपके पास सकारात्मक दृष्टिकोण हो और चुनौतियों से लड़ने की हिम्मत हो, अगर ये दो चीजें हैं तो आप हर सपने को साकार कर सकते हैं। और इन्हीं दो चीजों के साथ टप्पू गोली और गोगी अपने स्वप्न को साकार करने के लिए चले हैं और उनके प्रदर्शन से प्रसन्न होकर उनके गुरु श्री बागेश्वर और गुरु मां बावरी ने ये तक कह दिया है कि 3 दिन नहीं लगेंगे ट्रेनिंग में, 2 ही दिन में ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन मित्रों अभी तो ये फिल्म की शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्योंकि जिंदगी में अक्सर आपने और हमने महसूस किया है कि चोर चोरी करते वक्त नहीं पकड़ा जाता, अक्सर तभी पकड़ा जाता है जब वो चोरी का माल बेचने जा रहा हो। इन्होंने चोरी छिपे सखाराम को ये गोकुलधाम से बाहर तो ले आए हैं, लेकिन क्या जब ये सखाराम को वापस रखने जाएंगे गोकुलधाम सोसाइटी में
तब कहीं भीड़ के हाथों पकड़े ना जाए। कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं। कहीं इनका स्कूटर चलाना सीखने का ये जो मिशन है अगले दिन का सूरज देख भी पाएगा या नहीं, कहीं एक ही रात में ये प्लान ये मिशन कहीं समाप्त ना हो जाए। कई चीजें बहुत सारी है लेकिन आपके लिए हंसी समाप्त नहीं होगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।